हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। और दोस्तों, बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि BS6 के माइलेज के बारे में और BS4 BS3 के जो माइलेज के प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में। तो पहले मैं कवर करने वाला हूं आइडल ट्यूनिंग कैसे करनी है। माइलेज को लेके ना दोस्तों, ट्यूनिंग जो है ना, अगर आपके सही है तो हल्का फुल्का राइडिंग स्टाइल अगर ऊपर नीचे भी होता है ना, तो आपकी एवरेज सही आती है। एंड BS6 में किस तरह से माइलेज आप अच्छी ले सकते हैं, और जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दोस्तों कि BS6 में जो RPM है ना, उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। एंड माइलेज जो है ना, वो हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है माइलेज की। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, आपको माइलेज के बारे में बात करें, आपको ट्यूनिंग दिखाएं, BS6 के बारे में बात करें, उससे पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस ना आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों, फर्स्ट बताना चाहता हूँ कि माइलेज को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी माइलेज अगर आपको सही नहीं मिल रही, तो या तो फ्यूल लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आपका जो इग्निशन सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, चाहे आपका स्पार्क प्लग हो या इग्निशन सिस्टम आपका प्रॉपरली इग्निशन नहीं दे रहा, TPS प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो ये सब चीज़ें फैक्टर जो होते हैं इफेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है ट्यूनिंग भी है, आपकी राइडिंग स्टाइल भी है। अगर आपकी राइडिंग स्टाइल सही नहीं है, तो कितनी भी अच्छी ट्यूनिंग हो, सब कुछ परफेक्ट भी हो ना, तो भी आपको सही माइलेज नहीं मिलेगा। इवन टायर प्रेशर भी कई हद तक इफेक्ट करता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो माइलेज को इफेक्ट करती हैं। अच्छा माइलेज लेने के लिए सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो सब चीज़ तो अभी नहीं बात करने वाले, बट हम बात करने वाले हैं पहले ट्यूनिंग के बारे में। कार्बोरेटर ट्यूनिंग जो आइडियल ट्यूनिंग होती है ना दोस्तों, कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ पहले आपको, फिर हम BS6 के बारे में भी बात करेंगे। BS6 में किस तरह से RPM का और वो सब डिस्कशन है, वो सब भी करने वाले हैं। आपको कैसे अच्छी माइलेज मिल सकती है उसमें, वो हम बात करेंगे। तो पहले आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कैसे की जाती है आइडियल ट्यूनिंग। दोस्तों, ट्यूनिंग करने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो करें तो आप इजीली घर पे भी ट्यूनिंग कर सकते हैं, बट आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो अगर बात करो तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, ये RPM स्क्रू है। इससे आप RPM जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये थ्रोटल केबल का, ठीक है, रनर होता है, ये एरिया देख रहे हैं। इसके नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा इस एरिया पे, ये देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको मिक्सचर स्क्रू दिख रहा है। यहाँ पर जो है आपका पेट्रोल जो है इस चैम्बर में रहता है, बॉटम चैम्बर में। कई सारे लोग ना ये वाला स्क्रू को घुमाने की ट्राई करते हैं और ये होता नहीं है। तो ये स्क्रू को, नीचे वाला जो बॉटम स्क्रू है, इसको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोल चैम्बर है कार्बोरेटर का, ये यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कोने में, जहाँ पर ये थ्रोटल रनर है, उस एरिया के नीचे में एक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रू है, उसको रोटेट करना होता है। तो कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। उसके लिए पहले स्टार्ट करना पड़ेगा हमको ये बुलेट। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टार्ट हो गया है, RPM भी सही है, एकदम सेट किया हुआ है। मतलब RPM जो अभी होगा ना, 800 के RPM के आसपास होगा। तो अभी हम थोड़ा इसको RPM को हाई कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इसका RPM जो है हाई हो जाएगा। तो आपने देखा RPM जो अभी हाई हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मिक्सचर स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला हूं। ये एरिया जो है वो एंड है, यहां पर एंड हो चुका है। अभी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है जा रहा है, मगर ये, इसको हम बोलते हैं लीन मोड। ये जो मैंने कार्बोरेटर ट्यूनिंग की है वो लीन मोड होती है। अभी यहां से मुझको लेके जाना है, इस एरिया से लेके जाना है मुझको थ्री थ्रेड्स लेके जाऊंगा मैं। मतलब इसकी काउंटिंग कैसे होती है, हाफ ऑफ करते हैं। ये मैंने हाफ रोटेट किया, देन उसके बाद हाफ और, मतलब वन हो गया, उसके बाद हाफ और डेढ़ हो गया, उसके बाद हाफ और दो हो गया, उसके बाद हाफ और हाई हो गया, उसके बाद हाफ और। तो दोस्तों ये हो गया थ्री काउंट्स हो चुके हैं। अब मैं बंद करता हूं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने थ्री थ्रेड जो है वो किए हुए थे। अगर 3.5 करता या 4 करता ना मैं उसका, तो उसको बोलते हैं रिच मोड। अगर रिच मोड करते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, बट माइलेज उतना सही नहीं मिलेगा। बट अगर लीन मोड करते हैं, अगर आप 2.5 या 3 करते हैं थ्रेड्स, तो दोस्तों आपको जो माइलेज है ना वो अच्छी मिलेगी। इवन सम अमाउंट ऑफ सेल्फ पटाखा जो बोलते हैं ना, जो पट पट जो फटाखा पड़ता है, जो एक्सीलेटर नहीं दे रहे होते हैं,
वो भी होता है। तो अभी मैं दोबारा स्टार्ट कर दिखाता हूँ, फिर आरपीएम की बात करते हैं। अभी आपने देखा कितना इजीली स्टार्ट हो गया, मतलब इसमें आपको ना मैंने एक्सीलेटर दिया ना कुछ दिया, इजीली स्टार्ट हो गया। आरपीएम सेट करने का पीछे फंडा यही है, ये जो आप देख रहे हैं अभी इंजन का अगर आप साउंड सुनेंगे तो हल्का सा इसको ऑब्स्टिकल्स मिल रहा है, मतलब प्रॉपर जो आपको एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है अभी। अगर मैं इसको एक थ्रेड और कर दूं, दिस इज द आइडल वन, ये आरपीएम सेटिंग परफेक्ट है, परफेक्टली एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंजन तक पहुंच रहा है। मतलब वो अगर बोलें तो वैसे तो 1000 RPM के आसपास बोला जाता है, मगर प्लस माइनस 200 होता है, ठीक है, वो आप डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, क्योंकि ये मैकेनिकल चीज़ें हैं तो इसमें कभी भी एक्यूरेट आइडल नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों आपने देखा कि ट्यूनिंग कितना इजी है, इजीली आप घर पे कर सकते हैं, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता अगर आपको सही से मालूम है ना स्टेप जो मैंने बताया आपको, स्टेप वो अगर आप करते हैं। अभी मैं सिर्फ स्टार्ट कर दिखाता हूँ, आरपीएम और इंजन का साउंड आपको थोड़ा सा हल्का सुनाई देगा। ये देखिए आराम से जो है ये बाइक स्टार्ट हो रही है विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब ऐसे ही अगर आप ट्यूनिंग अगर सही करते हैं तो एक हल्के सेल्फ पे ना आपकी बाइक स्टार्ट होती है, फिर हल्के किक पे आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट होती है। अब हम पहले बंद करता हूँ फिर बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने जब मैंने ट्यूनिंग बता रहा था उससे पहले मैंने एक चीज़ पर बात की थी कि एक लीन और रिच जो होती है ना वो मोड्स होते हैं। अगर आप वो ट्यूनिंग करते हैं, लीन अगर आप ट्यूनिंग करते हैं, मतलब आप जो है माइलेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब आप एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है ना वो आप ज़्यादा नहीं दे रहे हैं अंदर, तो ऑब्वियसली बात है आपको माइलेज आपको ज़्यादा मिलने वाली है अगर आप लीन करते हैं। अगर आप रिच ट्यूनिंग करते हैं, रिच ट्यूनिंग मतलब जिसमें आप एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है अच्छा दे रहे हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो ट्यूनिंग है। तो ये पर्पस वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर आप 2.5 से 3 अगर आप ट्यूनिंग थ्रेड सकते हैं, फुल थ्रेड सकते हैं, तो आपको माइलेज जो है वो आइडल मिलेगी, अच्छी मिलेगी, मतलब 40 के आसपास माइलेज आराम से मिल जाएगी अगर आपने राइडिंग और बाकी सब जो फैक्टर बताए वो भी सही रहे तो। एंड अगर आप रिच अगर आप कर रहे हैं जिसमें आपकी 4.5 अगर थ्रेड रखते हैं, जिसमें कि अच्छा आपको परफॉर्मेंस चाहिए, उस समय स्पीड चाहिए, तो दोस्तों फिर आप वो परफॉर्मेंस है माइलेज आपको उतनी नहीं मिल पाएगी। बट माइलेज का अगर ड्रॉप की अगर बात करें तो 4-5 किलोमीटर्स के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आपकी बाइक पे इफेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो दोस्तों ये तो बात हुई BS3 BS4 बाइक्स की जिनमें कार्बोरेटर है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि यार अभी जो नई बाइक है BS6 उसमें तो फ्यूल इंजेक्टर आ गया है, उसमें तो ट्यूनिंग कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों उसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, वैसे तो दोस्तों FI आने के बाद में फ्यूल इंजेक्टर जो होता है, अगर इंजन आपका हार्ट है ना, आपकी बाइक का अगर हार्ट है, तो जो ECU है ना वो ब्रेन है, क्योंकि वो सारे डाटाज लेता है, मतलब आपके इनटेक से लेके आउटटेक तक, मतलब जब तक वो फ्यूल बर्न नहीं हो जाता ना तब तक सारे सेंसर्स पे वर्क करता है। तो सारी रीडिंग्स आती हैं कि कितना एयर इनटेक आ रहा है, क्या थ्रोटल का पोजीशन है, क्या इंजन का टेम्परेचर है, क्या RPM है, क्या ऑक्सीजन सेंसर, मतलब देखा आपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक का, अगर आपकी उसमें राइडिंग स्टाइल सही नहीं है सारे फैक्टर्स खराब हो जाते हैं, सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मेन चीज़ है कि अगर आप गियर शिफ्टिंग पे ध्यान दें, ओवर क्लचिंग, ठीक है, या ओवर ब्रेक करते हैं तो वहाँ इफेक्ट करता है, तो जो है FI जो है वो रिएक्ट करता है उसके हिसाब से। दोस्तों BS6 को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीज़न ये था कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है ना उसको इंक्रीज़ की जाए, FI लाया जाए, फ्यूल इंजेक्टर लाया जाए, ताकि दोस्तों वो जो देसी जुगाड़ किए जाते हैं ना वो ना हो, और एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड वे में आपका जो फ्यूल है वो बर्न हो। क्योंकि आपको मालूम है कार्बोरेटर ट्यूनिंग सही नहीं होती, पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, सही नहीं होती, मतलब मैकेनिक्स भी कुछ भी कर देते हैं, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही थी। FI इंट्रोड्यूस करने का फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर ही था, एंड फ्यूल एफिशिएंट होता है अगर आप सही से राइड करें तो। अगेन गियर शिफ्टिंग जो है उसमें पैटर्न्स होते हैं, कौन से गियर में कितनी स्पीड चाहिए, अगर आप हाई RPM पे ही खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फ्यूल तो देगा ही देगा। तो अगर आप फर्स्ट गियर पे अगर आप खींचते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे अगर आप ज़्यादा खींचने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों RPM अगर आपका 3000 RPM अगर इंजन खींच रहा है, ठीक है, तो स्पीड तो उतनी नहीं मिल रही, डिस्टेंस आप कवर नहीं कर पा रहे, बट थ्रोटल तो उतना पूरा रोटेट हो रहा है। बट अगर आप फिफ्थ गियर पे अगर आप वही सेम करें तो हल्के थ्रोटल पे भी आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। तो हाई गियर्स पे आपको हमेशा माइलेज एवरेज अच्छी मिलती है। तो ये मान के चलिए अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर यूज़ कर रहे हैं तो माइलेज आपको जल्दी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप हाईवे राइड करते हैं, इसीलिए हाईवे पे जो माइलेज है एवरेज है अच्छी मिलती है, क्योंकि हम फोर्थ फिफ्थ गियर के आसपास ही चला रहे होते हैं, एंड हल्के थ्रोटल पे आपको बाइक जो है वो ज़्यादा भाग रही होती है।
तो ये फंडा अगर आपके माइंड में है तो आपको एवरेज और ये कैलकुलेशन जो है ना वो आपको हो जाएगा कि भाई अभी एवरेज नहीं मिलने वाली है, अभी एवरेज मिलने वाली है, उस तरह कॉन्सेप्ट रहता है। तो दोस्तों मुझे मालूम है कि बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे BS6 में RPM कैसे कम करें, तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों RPM को मत छेड़ो यार, वो RPM एक आइडल चीज है, ठीक है। कोई भी आप FI बाइक ले लीजिए, उसका स्टार्टिंग RPM जो होता है ना वो हाई होगा, बाद में वो RPM जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। स्टार्टिंग RPM इसलिए सेट होता है बिकॉज इंजन को स्टार्ट देना है, ठीक है, तो अच्छा एक फ्लो इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि कंबशन हो, प्रॉपर कंबशन हो, और उसके बाद जो बाइक हो वो स्टार्ट हो। तो उससे हम चीज़ों से मत छेड़ा करके, अगर आप छेड़ा जो कोई देसी जुगाड़ कर लेते हैं बाइक की परफॉर्मेंस सही नहीं होती, फिर उसको भी लेके झेलना पड़ेगा। मेरा चीज़ें देसी जुगाड़ से जो चीज़ की जाती है ना टेक्नोलॉजी में, फिर वो कुछ कई बार अच्छे परिणाम भी देती हैं, कई बार बुरे परिणाम भी देती हैं। तो ये रिस्क फैक्टर जो है ना वो मैं अवॉइड करना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है कि RPM कैसे सेट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बाद में इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो। इसका एक प्रॉपर वे होता है जिसको ECU मैपिंग बोला जाता है, जिसके थ्रू सब कुछ चीज़ें सेट की जाती हैं कि अगर मैं RPM कुछ चीज़ सेट कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे को करनी पड़ेंगी भाई। कि अगर मैं इंटेक अगर इतना होगा, अगर एयर का इंटेक इतना होगा, तो कितना स्पार्क देना पड़ेगा, कितना इंजेक्ट करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। तो मतलब सिर्फ आपको एयर फ्लो एयर इंजेक्टर से के थ्रू में एक पाइप डाल दें और फिर दैट्स इट हो जाए, तो उस तरह से मत करिए, ठीक है। ये देसी जुगाड़ जो है मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ हूँ, मैं उतना नहीं करता, बट हाँ ठीक है, ये आप लोगों के लिए ऑप्शन है। आप लोग अगर सही समझते हैं इस चीज़ को तो खुद कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल इसमें भी नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा माइलेज की ट्यूनिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से फैक्टर जो हैं इफेक्ट करते हैं। और भी मैंने वीडियोस बना रखी जिसमें डेप्थ में बात की थी कि माइलेज और बाकी सब गियर शिफ्टिंग और इसम चीज़ों पर भी, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा। एंड दोस्तों माइलेज को लेकर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्टर्स हमेशा याद रखिए, माइलेज को लेकर सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी रनिंग जो है ना स्मूथ होनी चाहिए, इवन कई हद तक अगर आपका चेन टाइट या लूज होता है ना तो भी होता है, समझ रहे हैं आप। तो मतलब आपके सब चीज़ सही होगी ना तो आपको एक आइडल 40-45 जो कंपनी बोलती है ना वो एवरेज मिल सकती है। तो इसके लिए एक अलग से अच्छे से वीडियो बनाएंगे जिसमें सब सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। मैं इस वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेन दिखाना चाहता कि आइडल ट्यूनिंग कैसे की जाती है। एंड BS6 के जो माइलेज के जो क्वेश्चन आ रहे थे, RPM क्वेश्चन आ रहे थे, उस चीज़ को कवर करने के लिए बनाई थी। दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, देखते रहिए, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। बाय।